हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज चली हूँ बायोलॉजिकल पार्क में, जो कि आमेर किले से आगे पड़ता है। तो आमेर किले के पास से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा छोटा सा कैप्चर ले लेती हूँ, ताकि आपको बाहर से व्यू दिखाऊंगी आमेर किले का। नेक्स्ट बार मैं जाऊंगी आमेर किले तो आपको आमेर किले का पूरा व्यू दिखाऊंगी। ये बाहर से बड़ा खूबसूरत लग रहा था, ऊंची पहाड़ियों पर है। व्यू देखकर रहा नहीं गया, इसलिए इसको कैप्चर कर लिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था। दोपहर का मौसम था और इसका कलर इतना सुंदर दिख रहा था ना, कि अपने आप को रोक ही नहीं पाई वीडियो बनाने के लिए। तो इसका पूरा मैंने कैप्चर ले लिया बाहर से। नेक्स्ट बार जब भी अंदर जाऊंगी तो आपको अंदर से सारा इसका व्यू बताऊंगी। इसके बारे में डिटेलिंग में आपको सब मेंशन करूंगी। हम पहुंच गए हैं बायोलॉजिकल पार्क, जो कि नारगढ़ में है। बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका मेन गेट है जहाँ से अंदर जाते हैं। इसकी एक टिकट लगती है जो कि 50 रुपये है। अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है उसकी अलग से लगती है। तो टिकट लेने के बाद हमने अंदर एंट्री की है। ये बहुत ही बड़ा जंगल है, जंगल के बीचों बीच ये बनाया हुआ है। टिकट चेक करवा के हम निकल गए हैं अंदर की तरफ। बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है। चारों तरफ इसके पहाड़ी है, बीचों बीच ये है। चलते चलते सबसे पहले अगर दर्शन हुए हैं तो वो है शेर। शेर देखा, वो बैठा था, बाहर ही बैठा था, पर एक 1:30 बजे का टाइम था, बहुत गर्मी थी। तो मैं इसको जितना भी जूम करके दिखा सकती थी दिखाया, क्योंकि छाया में आराम से बैठा था। धूप थी तो इधर उधर चल नहीं रहा था। तो मैंने जितना मेरे से हुआ मैंने इसको कैप्चर किया जूम करके, ताकि आपको दिखा सकूं। इसकी पिक भी डाली है मैंने, ताकि आप इसको देख सकें कि ये कैसा दिखता है, मतलब पास से अगर रियल में देखें तो। रियल में पहली बार मैंने इसको ऐसे देखा। ये थे शेर की पिक्स। खूबसूरत सी जगह बनाई हुई थी भालू के लिए। यहाँ पे एक भालू रहता है, पर गर्मी थी, मैंने आपको बताया 1:30 बजे का दोपहर का टाइम था, तो बाहर नहीं था, अंदर बैठा था। इनके लिए कूलर पंखे अच्छे से लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है इनके लिए। ये भालू यहाँ पे रहता है, जिसकी मैंने पिक डाली है। आगे हम आगे मगरमच्छ, जो कि एक पानी के अंदर बैठा था और एक बाहर धूप सेक रहा था, मतलब छाया में ही बैठा था, पर गर्मी थी ना, तो बड़े मन खुश हुआ इनको देख के, क्योंकि मैंने लाइव पहली बार देखे थे जानवर, ये वाले बड़े बड़े हमेशा टीवियों में या पिक्चर्स में देखे हैं। तो ये बार आराम फरमा रहा था, और भीड़ भाड़ वाली बिल्कुल भी जगह नहीं थी, सब रिलैक्स मोड में सारे थे। नेक्स्ट पहुँचे हम घड़ियाल के पास। ये घड़ियाल है, कुछ मछली वगैरह कुछ खा रहा था और दिख रहे थे बाहर थे, कोई बाहर थे कोई अंदर थे, काफ़ी सारे थे इसके अंदर पानी में। देखो कैसे अंदर जा रहे हैं। तो इनकी भी मैंने पिक डाली है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इन्होंने बाहर मुँह निकाल रखा था, कुछ बाहर बैठे थे, तो उनकी पिक क्लिक करके मैंने डाल दी है। ये है ईमो। ये दो थे, एक बैठा था एक घूम फिर रहा था। बड़ा इनको देख के ना बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पास में चल के आ गए थे दोनों। उधर बैठे थे जहाँ वीडियो बना रही थी मैं, यहाँ चल के आ गए।
पहुंचे हैं जंगली कैट, जंगली बिल्ली देखने के लिए। एक बिल्ली घूम रही थी इधर उधर, एक आराम से बैठी थी। जाली बहुत छोटी थी, इनकी फ़ोटो ली है मैंने, बट कैमरे से अंदर वीडियो नहीं बना सकती थी। ये देखो लिखा हुआ है इसके ऊपर सारा कुछ इसके बारे में, ये बैठी है। तो मैंने इनकी पिक डाल दी है कि वो कैसी दिखती हैं, आराम से बैठे हैं ये। ये है सेही, ये बहुत बड़ी बड़ी थी। मैंने छोटी तो देखी हुई है पहले, पर इतनी बड़ी नहीं देखी। ये तीन चार थी, आराम से सो रही थी अपने घर के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी थी। मैंने इतनी बड़ी पहली बार देखी। देखो इसके अंदर ये जो घर बनाया हुआ है ना, इसके अंदर तीनों चारों सो रहे थे आराम से, मोटी मोटी थी एकदम। इस वीडियो के एक से दो पार्ट और बनेंगे, जिसके अंदर वाइट टाइगर, पैंथर, बाकी जितने भी जानवर हैं, उन हिप्पो, इनकी वीडियो मैंने बनाई है, उनको तो मैंने लाइव देखा है चलते फिरते। तो इस वीडियो में मैं सारे कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, बाकी के व्लॉग मैं नेक्स्ट डालूँगी। कल परसों में कंटिन्यू व्लॉग आएंगे, जितने भी ये जानवर बचे हैं इनकी सबकी वीडियो आएगी। वाइट टाइगर भी वहाँ घूम रहा था, शेर था, सबकी मतलब मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि एक बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए एक वीडियो और बनेगी। मिलते हैं आपको कल एक वीडियो में। चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय।